हर वेले तांगा यार दिया मैं त बैठी काग उडारा हाला पावा अते कास तुगे जान मैं तो थी गई हारा। ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी है सराय की जबान में। आसमानी सहीफों में लिखा है कि पहले पहल दुनिया के तमाम लोगों की जबान एक ही थी, बाद में उनकी जबानें अलग अलग की गईं। और मुझे यकीन है कि जब ये जबानें अलग अलग की गईं तो करने वाले ने हर जबान को एक अलहदा अलहदा खूबी अता की, और उस वक्त सराय की जबान में उसने मुलायमत और मिठास खोल दी। फिर आखिर आखिर में जब उसने जबान उर्दू तख्लीक़ की तो उसे ये एजाज अता किया कि हर इलाके और हर खित्ते के लबो लहजे से मिलेगी तो उसका निखार और बढ़ेगा। इसी उर्दू में पश्तो की आमेजिश हो, या इसमें पंजाबी का रंग शामिल हो, या इसमें सिंधी की मेहरान मौजें घुल मिल जाएं, तो उर्दू पर कैसा रूप रंग आता है इसका जिक्र हमारे दौर के उर्दू के सबसे बड़े नसर निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी यूं करते हैं। पश्तून उर्दू लहजे में एक तुनक इजाज और तुंदो ताज़ा महकार है जो किसी मुग्घम और जूमानी बात की रवादार नहीं। ये कौनता ललकारता लहजा मशकूक सरगोशियों का लहजा नहीं हो सकता। इसी तरह पंजाबी उर्दू लहजे में एक कुशादगी, गर्मजोशी और खुलावट का एहसास होता है। इसमें मैदानी दरियाओं का पाट और धीरज और दिल दरिया पार गमक है, और सहज सहज रास्ता बनाने के लिए अपनी लहरी कगर काट पर पूरा एतमाद। बलोच लहजे में एक हुक सी, एक हुमकती पहाड़ी गूंज और दिलावेज खशमगी कैफियत के अलावा एक चौकन्नापन भी है जो संगलाख्त कोह और दश्त बेआब अपने आज़ादों को बख्श देते हैं। सिंधी उर्दू लहजा लहकता लहराता लिरिकल लहजा है, एक ललक, एक मेहरान मौज जो अपने आप को चूम चूम कर आगे बढ़ती है। उर्दू के इलाकाई लहजों में वो लोक ठाठ, मिठास और रसजस है जिसका हमारे घिसे पिटे टकसाली और शहरी लहजे में दूर दूर शायबा नहीं मिलता। लोक लहजे की आमेजिश से जो नया उर्दू लहजा उभरा है उसमें बड़ी तवाना ताजगी, लोच और समाई है। भरे हैं यहाँ चार संतों से दरिया, और जो दरिया बड़ी आन से भरा है वो हमारा दरियाए सिंध है, जिसके किनारे बसने वालों की सरायकी ने जब उर्दू के आबशारों पर अपने नगमों जैसे लबो लहजे की धनक तानी तो दरियाओं में, कच्चे में, जजीरों, मैदानों, दामनों, पहाड़ों में, सब में रंग ही रंग भर गए। आज की बातें इन्हीं रंगों की बातें हैं। गुलाम फरीद साहब डेरा इस्माइल खान की गोमल यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं। शहर में एक छोटे से मगर आरामदेह और आरास्ता मकान में रहते हैं, मगर अपने देहाती होने पर इसरार भी है और नाज भी। मैं उस रोज़ उनके यहाँ पहुँचा तो मुझे अंदाज़ा न था कि डेरा इस्माइल खान के इलाके की सकाफत, तमद्दन, रस्म रिवाज और लोक वरसे पर वो कैसी लहकती हुई महकती हुई गुफ्तगू करेंगे। मुझे एहसास न था कि उनकी बोली में देहात का जो रंग है वो उर्दू से मिलकर इस जबान में कैसी मिठास खोलेगा। लेकिन जब बात चली तो उसका एजाज देखिए कि डेरा इस्माइल खान के छोटे से मगर आरामदेह और आरास्ता मकान से चलकर आज हमारे और आपके घरों में पहुँच रही है। लीजिए गुलाम फरीद साहब की गुफ्तगू सुनिए और इसका लुत्फ उठाइए। मैंने उनसे पूछा कि ज़रा डेरा इस्माइल खान के बारे में कुछ बताइए, इस इलाके में बसने वालों का हाल सुनाइए, लोग कैसे हैं, उनके दरमियान मोहब्बतें कैसी हैं, हमें भी बताइए। डेरा इस्माइल खान वतन अजीज़ के कदीम शहरों में से है
और यहाँ रफ्तार तरक्की चूँकि सुस्त रही है, माशरती अकदार में इतना तगैर वाक़ नहीं हुआ, लिहाजा मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि यहाँ कदीम तहजीब के नकूश अभी तक बाकी और सालिम हैं। दरियाए सिंध हमारी तहजीब का एक हिस्सा बन चुका है। इसके मगरबी किनारे में बहुत ही, इसके साहिल के साथ ही साथ बहुत से ऐसे छोटे गांव मौजूद हैं जहाँ पर जाकर के आप ख़ुद मुशाहदा करेंगे कि इनकी तहजीब मोहब्बत उल्फत की आईनादार है और लोग इतने हलीम उत्तबा और इतने मुनकसरुल मिजाज हैं कि उनके अंदर वही शेरीनी पाई जाती है जो एक कदीम तहजीब की एक अलामत बन चुकी है। उसमें एक बात यह है कि पूरा का पूरा गांव अपने आप को एक कुंभा समझता है। गम में, खुशी में, बाहमी उनकी इतनी शराकत है कि वो अपने आप को गैर नहीं समझते। उनके गम में और उनकी खुशियों में आप वो लताफत और वो शेरीनी पाएंगे कि जो मोहब्बत उल्फत अब बहुत बड़े शहरों में नापैद होती जा रही है। अच्छा गुलाम फरीद साहब, ज़रा बताइए डेरा इस्माइल खान का इलाका कैसा है और इसे शुरू शुरू में किसने बसाया? इसके मगरबी जानिब एक वसी और रेज चटियल मैदान का इलाका है जिसको दामन कहते हैं। इसके मानी ये हैं कोहे सुलेमान का दामन। तो वो चटियल मैदान है और उससे अगर आप मगरब की जानिब जाएँ तो वो पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है जिसको कोहे सुलेमान कहते हैं। इस कोहे सुलेमान की आबादी में वो लोग भी मौजूद हैं जो बराए रास्त हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के शागिर्द यानी सोहरवर्दिया सिलसिला के थे। ज़िमनन में ये अर्ज़ करता चला जाऊँ कि नवाब मोहम्मद इस्माइल जिनके नाम पर ये शहर आबाद हुआ ये भी सोहरवर्दिया सिलसिला के थे और उनके साथ बहुत बड़े तुमन यानी कबीले वाले आए और वो तुमनदार जो थे उन्होंने मुख्तलिफ़ बस्तियाँ आबाद की जिनमें से कुराई दूसरे इलाके हैं। ये दरअसल उन बलोचों की इब्तदाई बलोचों के नाम पर आबाद हैं। अच्छा ये तो हुआ, अब ये फरमाइए गुलाम फरीद साहब कि इस इलाके में तहजीबें कैसी हैं, सकाफतें कैसी हैं, तमद्दुन कैसा है? डेरा इस्माइल खान के तीन तहसीलों में अलग अलग तहजीबों के निशानात मिलते हैं। मसलन डेरा इस्माइल खान की तहसील में जो रस्म व रिवाज हैं वो सरायकी के आईनादार हैं। कुलाची में सरायकी और पश्तों का हसीन इम्तिजाज है। आप उनसे गुफ्तगू करें दो फिक्रे पश्तों में और साथ ही वो हिंदकों की और सरायकी की भी चाशनी मिला देती हैं। और हमारी तहसील टांक उसमें सरासर पश्तों का इलाका है और हमारे ट्राइबल इलाका के लोग जिसमें वजीर और महसूद हैं वो अब टांक में आबाद हो चुके हैं। उनकी तहजीब का उनसर वही ट्राइबल इलाके का है, कबायली जात का है जिसको कबायल ज़ू कहते हैं। कबायल ज़ू के मानी हैं एक ही कबीला से ताल्लक़ रखने की वजह से उनका बाहमी मुनसलिक होना। और आइए अब उन लोगों की बातें करें जो आज आबाद हैं और खुदा करे रहती दुनिया तक आबाद रहें। जैसा कि इंशा ने कहा था, लो फ़कीरों की दुआ, हर तरह आबाद रहो, खुश रहो, मौजें करो, ताज़ा रहो, शाद रहो। इस खित्ते के लोग हम सब जानते हैं कि खुश रहते हैं, मौजें करते हैं। बताइए यहाँ गाने बजाने की कोई रिवायत है? सुभानअल्लाह, आपने बड़ी लतीफ़ बात की। यहाँ एक अंदाज़ है और ख़ास किस्म की हमारी मौसीकी में एक गीत शुमार है, गाना, जिसको हम बगड़ो कहते हैं। इस बगड़ो की तहकीक यह है कि ये लफ्ज़ सरायकी का है, इसके मानी है फूलों के हार। आम तौर पर बगड़ों में हम उस रोमांस को बयान करते हैं जो जवानी के ऐन शबाब में होता है और माजे मारता ठाठे मारता उसका इजहार किया जाता है। उसकी कुछ जो सिन्फ है वो इस किस्म की कि एक पहला मिसरा ऐसे बेतुका और साथ ही दूसरा मिला लेते हैं। इसके साथ हमारी जो रक्स की बात है, इस इलाके का ख़ास रक्स झूमर है। झूमर गोल दायरे में हमारे देहातों में तो ऐसा है कि अब तक भी कुछ ऐसे देहात हैं जहां मर्द वज़न बिला तख़सीस मिल कर के इकट्ठा रक्स करते हैं और इसको मायूब तसव्वुर नहीं किया जाता क्योंकि सारे ख़ानदान सारे गांव एक ही ख़ानदान तसव्वुर किया जाता है। अलबत्ता झूमर की एक ख़ास धुन है, उस धुन पर हमारे नौजवान अलग झूमर रक्स करते हैं और औरतें जो हैं वो अलग झूमर रक्स करते हैं। ये झूमर का रिवाज डेरा गाजी खान में भी है
और कुछ मियांवाली के इलाकों जिनमें ईसा ख्याल है वहाँ भी झूमर ये नाच जाती है और बड़े लुत्फ से उसको देखा जाता है। मुझे याद है उस रोज गांव के लाउड स्पीकर पर कोई लहक लहक कर झूमर गा रहा था। और अब ये बताइए गुलाम फरीद साहब कि आपके इस इलाके में डेरा इस्माइल खान हो या कुलाची या टांक, मेले ठेले की क्या रिवायत है? मेले अब भी लगा करते हैं। होता ऐसा है मोहतरम के चार पांच देहातों में मिल करके कहीं एक जगह मुतय्यन की जाती है और फिर दो दिन तीन दिन पहले ऐलान किया जाता है, लोगों का एक जम्मे गफीर उमड़ कर आ जाता है। आज के मसरूफ तरीन दिनों में भी जब लोग इकट्ठे आते हैं, जवान बूढ़े सब मिल कर के वो बैठते हैं। अलबत्ता एक सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँ जिसको मैं ख़ुद महसूस करता हूँ देहाती होने की हैसियत से। पहले यूँ हुआ करता था कि असर के वक्त एक जगह मुतय्यन होती, वहाँ बुज़ुर्ग भी बैठते और छोटे भी बैठते, बड़े वज़नी किस्म के पत्थर रखे जाते और उन पत्थरों को उठाने की वर्जिश की जाती। और जब एक नौजवान एक पत्थर को उठाने के काबिल न होता तो एक बूढ़ा उम्र रसीदा उसको बड़े तखलीए में बुला कर कहता कि देखो तन की हिफाजत करो और अपने मन की भी हिफाजत करो, मुझे कुछ शक गुजरता है, तो देखो ऐसा करो कि अपने जान को तुम संभाल करके, वो जो सफ़ेद पत्थर था कल तो तुमने उठाया था, अब नहीं उठा रहे हो। इसी के साथ साथ फिर उनको तलकीन सफाई की, सुथराई की, पाकिजगी की, शर्म की, हया की वो साथ साथ किया करते थे। बूढ़े और जवान मिल करके ये खेल खेला करते थे ढोल की ताप पर। और इसी तरीके से हमारे यहाँ जो मेले अब लगा करते हैं उसकी नौइयत अब ये बन चुकी है कि घोड़ा दौड़, कुश्ती और एक हम अपने इलाकाई ज़बान में कहते हैं उसको तौदा, तो ये तौदे की दौड़ ये भी नौजवान अब भी रचाते हैं और इन मेलों को बड़े शौक से देखा जाता है। इन्हीं मेलों में कुछ तहजीबी आसार और भी नज़र आते हैं, वो ये कि नौजवान लोगों की जो टैलेंट्स हैं उनकी जो सलाहियतें हैं बुज़ुर्ग लोग उनकी निशानदेही करते हैं और फिर उसके वालिद को या करीबी आदमी को वो कह देते हैं कि तुम्हारा ये नौजवान बड़ा हुनरमंद है, ज़रा इसका ख्याल रखो तो बहुत ये हीरा बनकर चमकेगा। आखिर में आपसे मेरा ये सवाल है गुलाम फरीद साहब कि अब पुल बन रहे हैं, सड़कें खुलने लगी हैं, हवाई जहाज़ उतरने लगे हैं, बिजली, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न ये सब चले आ रहे हैं, ये सब नए ज़माने की नई आसाइशें हैं, मगर कहीं ये नई आसाइशें पुरानी रिवायतों को मिटा तो नहीं देंगी? लोग अपने रस्म व रिवाज भूल तो नहीं जाएंगे? मेरा ख़्याल यह है कि इस इलाके में तहजीबी अकदार के साथ हमारी जो मोहब्बत और उल्फत और जज्बाती लगा हुआ है, कुछ अरसे तक तो हम इसको संभाल कर रखेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माशी तरक्की का तकाजा करती हैं और मेरे देहातों में माशी तरक्की हो रही है, यानी बिजली वहाँ पहुँच चुकी है, ट्रांजिस्टर और रेडियो तो वहाँ पर पहले से मौजूद है, और अगर इसी किस्म की चीज़ें वहाँ पहुँच गई तो हमारी नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर उनकी तवज्जो अब मबजूल हो रही है। और कुछ ऐसा है जिसे आप अर्बनाइजेशन कहते हैं, देहाती लोग शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, उन अर्बनाइजेशन या इंतकाल आबादी की वजह से लोग अपने शहरों से भी ज़रा दूर हो रहे हैं और तहजीबों से भी दूर हो रहे हैं, और ये एक इम्तिजाज हो रहा है कदीम और जदीद का। यार बनो हुन जीवन कूड़े सुन, यार बनो हुन जीवन कूड़े मिंडे अंदर दर्द हजारा, मेरे अंदर दर्द हजारा, यार फरीद हुन मैं में रोवां उ भुलाई में रोवां।
यार फरीद हुण मैं वे रोवां ओ जिवें पिछड़ी पूंज च कतारा गुजर गई गुजरा गुजरान हाय गम दे सांग रलो गुजर गई गुजर गई गई गुजरान गम दे सांग रलो गम दे